अरे यार बॉस को फोन करता हूँ। इंडिया पाकिस्तान मैच है यार। हेलो सर, कैसे हैं? पॉइंट पर आओ। सर इंडिया पाकिस्तान मैच कवर करने जाना है सर, एक गाड़ी एक कैमरामैन तो दिला दो सर प्लीज। देखा मैंने पिछले वीडियो में क्या करके आए हो, न व्यूज न रेवेन्यू। एक बार बोल दिया है ना, मोबाइल मैन से काम चलाओ। सर ये मोबाइल मैन तेज हवा में इसका पूरा वजूद हिल जाता है सर। अच्छा इससे काम चला लूंगा, पर एक गाड़ी तो दे दो सर। ऐसा करो, ऑफिस के बाहर 8 सीटर गाड़ी होगी, उससे चले जाओ। अरे वाह सर, बॉस जी के चरण कहाँ हैं? व्हाट मतलब, थैंक यू सो मच सर, लव यू। क्या बात है यार, बॉस अपने शानदार आदमी, हम खामा खा कर आते हैं बेचारे को। अरे सर मैंने 2 पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी जुगाड़ कर लिए है। क्या बात कर रहा है, 2 पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स? मानना पड़ेगा भाई, लिंक तगड़े हैं तुम टिकटॉकर्स के, हैं कहाँ वो? अरे वो दोनों पाकिस्तानी एक्सपर्ट मैंने पप्पू चाय वाले के पास बैठा है। अरे सर साइकिल पे ट्रिपलिंग अलाउड नहीं है ना, गाड़ी नहीं उनके चल के पास। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आपको पता ही है सर। कोई बात नहीं, अपनी 8 सीटर लग्जरी कार में रिसीव करेंगे मेहमानों को। और 8 सीटर में आएंगे सर दोनों। और क्या, चल बॉस अपना दिल दरिया। अबे अपनी गाड़ी का है? गाड़ी तो यही होनी चाहिए थी सर, बॉस ने तो यही कहा था। लोग अभी बॉस को फोन करते हैं। हाँ अभी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ सर, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? सर यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं दिख रही है अपनी, आप जो 1 सीटर लग्जरी कार कह रहे थे। बैटरी रिक्शा है ना? बैटरी रिक्शा तो हमेशा लगी रहती है सर। बस वही परफेक्ट है तुम्हारे लिए, परफॉर्मेंस देखते हुए। गो हैव फन, बस किराया दे देना उसको। किराया? लप्पू से जिंदगी, झिंगुर सा मोबाइल मैन और चिलगोजे सी गाड़ी में हम चल पड़े हैं सड़क से स्टेडियम तक अपने देसी एक्सपोर्ट से मिलने। और पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स दिखेंगे आपको, पप्पू की चाय पे जा रहे हैं हम। लेट्स गो। हाँ तो इसी बात पर एक शेर याद आया मिर्जा गालिब का, इरशाद इरशाद पैरोडी अकाउंट का, कि ढूंढते रह जाओगे फिर से एक बार मौका। हाँ ढूंढते रह जाओगे फिर से एक बार मौका, और शर्मा जी से छक्के खाना, कोहली से चौका। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात। चलिए भैया, तो पप्पू की चाय दुकान पे हम लोग आ गए हैं। कहाँ गए भाई पाकिस्तानी एक्सपर्ट तुम्हारे? अरे सर यहीं पे है पास में, चलो उनसे भी मिल लेते हैं। जलवा देख रहे हैं हमारा हमारा शो इतना पॉपुलर हो गया है सड़क से स्टेडियम तक कि खुद पाकिस्तान से चलकर 2 एक्सपर्ट हमको इंटरव्यू देने आ गए। मामला काफी इंटरनेशनल हो गया भाईजान। आप दोनों ही पाकिस्तान से हैं? जरा जरा जगह दीजिए जरा। ये हमारे दोनों पाकिस्तानी भाई हैं और इनके साथ हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। भाईजान जो भी करना थोड़ा सा कोने पे करना। अरे पाकिस्तान से उर्दू नहीं समझते, कहाँ से हूँ पाकिस्तान में आप? लाहौर, नाम सुना है? अपना ही था, नाम क्या सुना है। आप कहाँ से भाईजान? कराची से। कराची से तो इतनी अकड़ में क्यों हो? खैर ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में आज तक भारत को नहीं हराया, एक बार हराएगा ऐसी उम्मीद लग रही है आपको? एक बार T20 में हराया था ना। अरे चलो कहाँ पुरानी बातें, वनडे ओडीआई में कभी नहीं जीता। क्या लगता है पाकिस्तान हराएगा इस बार भारत को? पाकिस्तान आज तक भारत को वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाया, क्या लगता है इस बार मौका है वो जो मौका मौका? हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह बॉयज विल प्ले वेल। लगता है एक ही डिक्शनरी सप्लाई होती है इंजमाम से लेकर सारे पाकिस्तानियों की इंग्लिश वही है। खैर भाईजान ये बताइए कि किस पाकिस्तानी खिलाड़ी में कुव्वत है, लगता है कि भारत को हरा सकते हैं ये लोग? भाईजान देखो, रिजवान, शफीक, अफरीदी और क्या। आपने अपने कप्तान साहब बाबर आजम का नाम नहीं लिया? अरे भाईजान नाम तो तब लेना अगर मैच जिम्बाब्वे के साथ हो। है जिम्बाब्वे आजम पाकिस्तान में भी पॉपुलर है भैया। खैर भाईजान कराची वाले, वैसे तो जवाब इसका खैर क्वाइट ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी इंडिया और पाकिस्तान के मैच में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? और देखिए मैं तो इंडिया को सपोर्ट
करता हूँ भाई जान। क्या बात है भाई, काफी लिबरल पाकिस्तानी मालूम पड़ते हैं आप। दरअसल अपना आधार कार्ड भी यहीं का ही ना है। अच्छा खैर इनको हटाते हैं, ये बताइए सोशल मीडिया पे काफी कुछ चल रहा था कि पाकिस्तानी लोगों को इस बार जो है वीजा नहीं मिल रहा है इंडिया में आने का, वर्ल्ड कप देखने का, ऐसा कुछ आपके साथ भी सीन हुआ या कि वीजा मिल गया आप लोगों को आसानी से? भाईजान क्या बताएं, बड़े मुशक्कत पे, मुझे तो मिला ही नहीं। वीजा नहीं मिला आपको? अरे यार तो फिर नहीं नहीं भाई, तो ये बताओ कि फिर इंडिया पहुंचे कैसे आप? बहुत मुश्किल से भाईजान। मतलब कैसे? तारों के नीचे से। बहुत दर्द हुआ है। लेकिन आई गए, मतलब सब ठीक है। ये क्या लफड़ा बेबे, मोबाइल मैन ये बता तू, ये एक्सपर्ट है, घुस बैठी है, ये एक्सपर्ट है, ये तारों के नीचे से घुस के आया, कह रहा है अभी तक बहुत दर्द हो रहा है, कैसे एक्सपर्ट लाया तू? फोन नहीं लो। अरे ये एक्सपर्ट लाया था, ये कैसे एक्सपर्ट लाया था तू? सर बोलो, घुस बैठिए, तू टिकटॉक पे मिले थे सर। टिकटॉक पे मिले थे, अच्छा हुआ मोदी जी ने टिकटॉक बैन कर दिया। खैर इन फर्जी और घुसपैठिए एक्सपर्ट्स को छोड़ते हैं और हम अपने देसी एक्सपर्ट्स की तरफ लौटते हैं, पप्पू चाय वाले की तरफ लौटते हैं, आइए उन्हीं से बात करें। ये होता है असली पैशन, क्या बात, धंधा भी और क्रिकेट भी, क्या बात है भैया, ये होते हैं असली देसी एक्सपर्ट। देखिए एक तरफ क्रिकेट मैच चल रहा है, एक तरफ इनका इनकी चाय बन रही है, तो आप ही हैं क्या मशहूर पप्पू चाय वाले? जी, तो आपसे कुछ बात कर लें क्रिकेट पर। हाँ जी बताइए बताइए। ये बताइए भारत और पाकिस्तान का मैच है, ये हमारा कैमरा इधर देख के आपको बताना है कि कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? भैया पाकिस्तान मैच हारता आया था, हारता आया है, हारता ही रहेगा। भाई साहब चाय से ज्यादा उबाल तो इनके खून में है, भारत पाकिस्तान का मैच होता ही ऐसा है कि किसी के भी खून में उबाल आ जाए। अरे भाई जब ये तो बताओ पाकिस्तान के खिलाफ किस प्लेयर से सबसे ज्यादा उम्मीद है? बाबर आजम से। भैया इंडियन खिलाड़ी का नाम पूछ रहा हूँ, भारत के खिलाड़ी का नाम। अरे भैया पाकिस्तान भी तो अखंड भारत का हिस्सा है। ये तो अलग लाइन लेंथ पे निकल गए हैं भाई साहब। अच्छा खैर एक अगला गंभीर सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं रिजवान, उन्होंने मैच जीतने के बाद जो है वो गाजा पे पोस्ट किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे ये सब नशेड़ी हो गए हैं भाई, दारू गांजा सिगरेट बीड़ी जाने क्या क्या। अरे 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 नहीं नहीं पता भाई, ये जो है गलत घुस गया मैं इंटरनेशनल गली में। आप चाय बनाइए भाई साहब, बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके, धन्यवाद, शानदार। भाई साहब हमारे साथ कुछ नौजवान साथी हैं, स्टूडेंट है सारे, क्या नाम है आपका? सागर। तो पाकिस्तान का नाम सुनते ही पहला ख्याल मन में क्या आता है? इंडिया हराएगा। क्या बात है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुष। आयुष क्या लगता है कल इंडिया पाकिस्तान के मैच में कौन भारी पड़ेगा? मुझे लगता है विराट कोहली का बल्ला चलेगा। विराट कोहली का बल्ला चलेगा, आपका नाम क्या है? विवेक। विवेक इंडिया और पाकिस्तान के मैच में सबसे बड़ी चीज जिस पे आपकी नजर रहेगी वो क्या है? सबसे बड़ी चीज दोनों के बीच का स्कोर और विराट कैसा चलेगा, बाकी बाप तो बाप होगा। ये तो आ गए हैं भाई, बाप तो बाप होता है, लेकिन एक डिबेट चलती है इंडियन बैटिंग वर्सेस पाकिस्तानी बॉलिंग, तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी बॉलिंग जैसे कहते हैं कि लेफ्ट हैंडर शाहीन अफरीदी जो है उनकी तेज गेंदें अंदर आएंगी बाहर जाएंगी, रोहित शर्मा विराट कोहली को दिक्कत होती है, क्या लगता है? कोई चांस ही नहीं है सर, कोई चांस ही नहीं है। पिछले मैच में भी देखा था रोहित शर्मा ने क्या, शाहीन अफरीदी था उसको ही पहला था और शुभमन गिल ने भी उसका बम बनाया था, अब क्या विराट कोहली तो फिर विराट कोहली है, तो बैटिंग लाइनअप पे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली सर, एक तुक्का कर लिए थे विकेट तो ले लिए थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आपको भी यही लगता है? पहले वाले गेम का भूल गए क्या, ऐसे का बोल के रख दिया आपके टॉप ऑर्डर पे यार, कैसी बात। पाकिस्तानी बॉलर्स ने, पाकिस्तानी बॉलर्स ने शाहीन अफरीदी खास करके लेफ्ट आर्म सीमर अंदर आती हुई गेंद क्लीन बॉल। तुम T20 भूल गए क्या, जो हरीश रौप ने सीधा एक छक्का मार के, एक छक्का क्या कितने छक्के मार के उसका हालत खराब कर दी थी भाई, कभी गुमान हो अपनी बॉलिंग पे तो हमारा T20 का वो मैच देख लेना। लेकिन इनकी बात में भी पॉइंट है कि बॉलर पाकिस्तानी जो है वो थोड़े ठीक तो है, मतलब भाई इतने लंबे चौड़े गेंदबाज है उनके, लेकिन क्या वो लंबे चौड़े गेंदबाज हमारे बैट्समैन उनको झेल पाएंगे? कभी नहीं सर, कोई चांस ही नहीं, मैं कहता रहा हूँ नहीं चलेंगे, नहीं हमारे बैट्समैन चलेंगे, हमारे बैट्समैन चलेंगे और बॉलरों की कुछ नहीं चल पाएगी। ना मैं तो कह रहा हूँ टॉप ऑर्डर ही उन्हें ढेर करता रहेगा। क्या आपका ओपिनियन थोड़ा इससे अलग है?
एक बैटर बेचारा जो अच्छा खेल पाता है, वो डेंगू में पड़ा है। बाकी देखते भाई, लेफ्ट आर्म सीमंस है, हमें पता है, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, कोई भी हो सकता है पवेलियन से बैठ के मैच का लुत्फ उठाए। ओ भाई संभाल के, क्या बोल रहा है, विराट कोहली है बाप है तुम सबका, वो बाप है तो भाई फैक्ट्स तो फैक्ट्स है, फैक्ट्स तो फेस करना जरूरी है, अपनी सच्चाई तो हमें खुद पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए भाई। फैक्ट्स हैं तो फैक्ट्स उसके भी देख ले, रन उसके भी देख ले, और अपने बॉलर की हालत देख लेना उनके सामने। मेरे को तो स्टैट्स पता है, लेफ्ट आर्म सीमर विराट कोहली, बहुत अच्छी लव स्टोरी, ट्वाइलाइट से बेटर वाली लव स्टोरी। नहीं नहीं भाई, तुम मुझे बताओ कि भारत में रहकर तुम पाकिस्तानी क्लब को, मैं तो क्रिकेट फैन हूँ भाई, इंडिया पाकिस्तान वाली बात नहीं, जो अच्छा क्रिकेट फैन है इससे दोस्ती खत्म, क्रिकेट फैन है और ये इससे दोस्ती खत्म, इससे दोस्ती खत्म सर, मैं इंडिया में रहने वाले हूं, आ जा चले डाले से पाकिस्तान को सपोर्ट कर, ये ओए मेरे साथ बताइए तू, ठीक है भाई, ठीक है, मैं तो भाई जा रहा हूं ना, अच्छा मैच देखिए। ये आप देख रहे हैं आलम, ये गर्मा गर्मी हो गई, पुरानी दोस्तियां टूट गई भाई, कितने साल की दोस्ती थी, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा था भाई, दोस्ती तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यही होता है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो गर्मा गर्मी तो हो ही जाती है। अब फैंस के बीच इतनी गर्मा गर्मी है तो सोचिए कि ग्राउंड पर क्या आलम होगा। 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड कप का सबसे सुपर हिट मुकाबला इंडिया बनाम पाकिस्तान आने वाला है। ये तो हमारे कुछ जो एक्सपर्ट थे वो तो लड़ भिड़ कर जा चुके हैं, लेकिन आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ।